सो क्या हाल है गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोसेसर के प्राइसिंग के बारे में। और यहाँ पर मैं जितने प्रोसेसर के प्राइसिंग आपको दिखाऊंगा वो मैंने दो जगह से लिया है। पहला होगा अमेजोन, दूसरा होगा नेहरू प्लेस। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों जगहों की प्राइसिंग दिखाने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो प्राइसिंग आपको लॉकडाउन से पहले पे करनी पड़ती थी वो प्राइसिंग आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोसेसर की प्राइसिंग बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ भी आप बहुत ध्यान से रखना। और अगर प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग जाननी हो, मदरबोर्ड की प्राइसिंग जाननी हो, या फिर किस कंपनी कैसे सर्विस होते हैं मदरबोर्ड को लेके या फिर ग्राफिक कार्ड को लेके, तो ऐसे कुछ वीडियो मैंने बनाई है, तो उन वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है। तो चलिए बढ़ते अपनी प्राइसिंग के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइसिंग मैंने दो पार्ट में डिवाइड करी दी है, अमेजोन और नेहरू प्लेस। तो मैं आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहले दिखाता हूँ यहाँ पर इंटेल के प्राइसेस। तो इंटेल के प्राइसेस ये रहे आपके स्क्रीन पर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इंटेल के मैंने यहाँ पर कुछ पुराने प्रोसेसर भी दिखाने की कोशिश करी है और कुछ नए भी, जिससे आप समझ सको कि पुराने क्या प्राइसिंग और नए की क्या प्राइसिंग है। आप इस वीडियो को पॉज करके सारे प्रोसेसर की प्राइसिंग देख सकते हो। तो जैसे आप सभी ने यहाँ पर देखा, जितने भी इंटेल के प्रोसेसर थे उनकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट लगभग सेम ही थी। हालांकि यहाँ पर जितने 10 जनरेशन के जो प्रोसेसर है, जो नए वाले प्रोसेसर जो आए हैं इंटेल की तरफ से, उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा जितना वो परफॉर्म करते हैं। तो पूरी इंटेल में सिर्फ मैं दो ही प्रोसेसर रेकमेंड करूँगा जो आप थोड़ा खरीदने के बारे में सोच सकते हो। एक है इंटेल कोर i3 9100F, दूसरा है जो अब जो प्रोसेसर आया i5 10400F। तो सिर्फ एक ये दो प्रोसेसर जो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, बाकी इंटेल के पास कुछ खास कुछ है नहीं देने के लिए। अगर कोई और कोई प्रोसेसर है जो आपको पसंद है इंटेल में, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसे छोड़ो, एएमडी की तरफ मूव हो जाओ, क्योंकि एएमडी की तरफ काफ़ी अच्छी चॉइस है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे एएमडी के प्रोसेसर की प्राइसिंग के बारे में। जैसे आप सभी को पता है, एएमडी के जितने प्रोसेसर है वो वैल्यू फॉर मनी है और सबसे बढ़िया रहते हैं। एडिटिंग के हिसाब से तो अच्छे रहते हैं, लेकिन अब गेमिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो प्राइसिंग ये रही आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा प्राइसिंग देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने अमेजोन और नेहरू प्लेस की दोनों की प्राइसिंग दिखाई है और मैंने यहाँ पर सारे एएमडी के प्रोसेसर कवर करे हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके सभी की प्राइसिंग देख सकते हो। तो जैसा आप सभी ने प्राइसिंग यहाँ पर देख ली होगी एएमडी के प्रोसेसर की, तो जो लोग यहाँ पर प्रोसेसर लेना चाहते हो तो उनके लिए काफ़ी अच्छी वेरायटी मिल जाएगी यहाँ पर एएमडी की तरफ से। यहाँ पर कुछ एपीयू मैंने आपको दिखाए थे जिसमें आप अच्छे से गेमिंग भी कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो बहुत ज़रूरी है, इन सभी प्रोसेसर की प्राइसिंग हर महीने चेंज होती है, अमेजोन पे भी और नेहरू प्लेस में भी। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम हर 3 महीने बाद ऐसी नई वीडियो लेके आते हैं। अगर आप इस वीडियो को तो काफ़ी लेट देख रहे हो, तो लेटेस्ट वीडियो के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। और जो लोग घर बैठे नेहरू प्लेस से ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर कुछ और चीज़ें मंगवाना चाहते हैं, तो मैंने कुछ शॉप है जो जेन्युइन शॉप है, जैसे SMC इंटरनेशनल, कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर सोनम इंटरप्राइजेस। तो ये लगभग 4 से 5 दुकान है जिनके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पर आप कॉल करके या ग्राफिक कार्ड मंगवाना हो या प्रोसेसर मंगवाना हो, आप बेझिझक मंगवा सकते हो, वो भी कोरियर करके। और जो लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ अमेजोन पर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा आप वेदांतु कंप्यूटर से खरीदो। तो ये भी काफ़ी जेन्युइन साइट है, यहाँ पर आपको कोई स्कैम देखने को नहीं मिलेंगे। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जैसे मैं आपको बता रहा था, कुछ अच्छी सी वीडियो मैंने बनाई है, जैसे प्राइसिंग ग्राफिक कार्ड की, प्राइसिंग ऑफ मदरबोर्ड और आफ्टर सेल सर्विस कैसी होती है मदरबोर्ड में या फिर ग्राफिक कार्ड में, तो उन वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक आखिरी चीज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद, सो क्या लगा इस आज के इस वीडियो में बात करने वाले मदरबोर्ड और रैम के प्राइसिंग के बारे में, मैं आपको यहाँ पर कुछ 2 से 3 बातें बता दूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, जो भी मैं आपको प्राइसिंग बताने वाला हूँ यहाँ पर मदरबोर्ड और रैम की, वो बेसिकली 2 जगह से ली जाएगी, अमेजोन और नेहरू प्लेस। दूसरी चीज़, यहाँ पर जितनी मैं आपको प्राइसिंग बताऊँगा वो हर 2 से 3 महीने बाद चेंज हो जाती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं हर 3 महीने बाद ऐसी वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो काफ़ी लेट देख रहे हो, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना लेटेस्ट वीडियो के लिए। तीसरी चीज़, मदरबोर्ड मार्केट में 100 से ज़्यादा है और रैम भी, तो यहाँ पर मैं सबको तो मेंशन नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको पॉपुलर रैम और मदरबोर्ड दिखाऊँगा जो सबसे ज़्यादा बेचती है या फिर जो वैल्यू फॉर मनी है। चौथी चीज़, अगर आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हो और अगर आपको प्राइसिंग जाननी है ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड कैबिनेट, तो उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।
तो अब बढ़ते अपनी प्राइसिंग के बारे में। पहले दिखाता हूं आपको मदरबोर्ड की प्राइसिंग। तो मदरबोर्ड की प्राइसिंग ये रही आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने अमेजोन और नेहरू प्लेस दोनों की प्राइसिंग आपको दिखा दी है। आप इस वीडियो को पॉज करके सभी की प्राइसिंग ध्यान से देख सकते हो। तो जैसा आपने यहाँ पर प्राइसिंग देख ली होगी, तो एक चीज़ बता दूँ, जब इस वीडियो बना रहे थे थोड़ा सा दुख हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मदरबोर्ड की प्राइसिंग ज़्यादा है। सच बता रहा हूँ गाइस, मदरबोर्ड की प्राइसिंग ज़्यादा है। लॉकडाउन के बाद बस एक प्रोसेसर और मदरबोर्ड, सिर्फ एक ये दो चीज़ बची है जिनकी प्राइसिंग नीचे नहीं आ रही है। हालांकि कुछ मदरबोर्ड तो ऐसी थी जिन्हें मैं इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने वो इंक्लूड नहीं करी। और जो मिली उनके प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, असूस की तरफ से आती है A320 मदरबोर्ड, ये लॉकडाउन से पहले हुआ करती थी 3,500 रुपये की, और अब आज के टाइम पे इसकी प्राइसिंग है 4,500 रुपये। सेम मदरबोर्ड, सेम कंपनी, आप प्राइस में डिफरेंस देख रहे हो, 1,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, आप थोड़ा सा रुक जाओ, एक से दो महीने बाद प्राइसिंग नॉर्मल हो जाएगी, तो तब आप खरीदोगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम रैम की प्राइसिंग के बारे में। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगी कि भाई यहाँ पर भी मैंने कुछ अच्छी रैम इंक्लूड करी है, एक तो वैल्यू फॉर मनी, और जो सबसे ज़्यादा बिचती है, तीसरी चीज़ RGB रैम। हालांकि RGB रैम थोड़े से महंगे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ अच्छी सी RGB रैम 2 से 3 वो इंक्लूड करी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रैम की प्राइसिंग लिस्ट ये रही आपकी स्क्रीन पर। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर जो बेस्ट जो रैम हुआ करती है मार्केट में, वो सब यहाँ इंक्लूड कर दी है। प्राइसिंग में हमने जैसे बताया दो सेगमेंट में होंगी, वो अमेजोन और नेहरूप्लेस, वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको ध्यान से इसको प्राइसिंग को देखना हो, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो जैसा आपने यहाँ पर रैम की प्राइसिंग देखी होगी, आप यहाँ पर कह सकते हो जो प्राइसिंग है ना, बेसिकली वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी। तो जो लोग रैम लेने वाले हैं उनके लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मदरबोर्ड के लिए तो डाउट है यार, मत खरीदना भी, प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। 2 से 3 महीने बाद नॉर्मल हो जाएगी। रैम जिसे लेने वो लोग अभी ले सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी। तो फाइनली कॉन्क्लूजन की तरफ पहुँचते हैं, मैं आपको 3 बातें बता दूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज़, अगर आप कोई भी मदरबोर्ड लेना तो सिर्फ 2 कंपनियों में से लेना, पहला होगा असूस और MSI, दोनों की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, इन्हीं को आप कंसिडर करना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, या फिर काफ़ी लोग उसकी तरफ देखते नहीं हैं। दूसरी चीज़, रैम भी अगर आप खरीद रहे हो तो किसी अच्छे ब्रांड की तरफ खरीदना, या तो सैमसंग हो या कॉर्सियर है। और भी कंपनियों के रैम आते हैं, जैसे किंगस्टन की रैम आते हैं, क्रूसर की रैम आती है, और भी कुछ कंपनी जो रैम बनाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा उनकी तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उनमें आपको गारंटी का बहुत बड़ा इशू मिलता है। गारंटी मिलती है लेकिन आपको सर्विस सेंटर नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ आप देख लेना। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको प्राइसिंग जाननी हो, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, कैबिनेट, तो उनके ऊपर ही मैंने वीडियो बना दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी। और जाते जाते बस ये कहना चाहूँगा, ऐसी प्राइसिंग की वीडियो हम लाते रहते हैं हर 2-3 महीने बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अपडेट रहना है प्राइसिंग। सो क्या लगा इस, मेरा नाम आदित्य, आज की इस वीडियो में बात करने वाले जो NVIDIA का नया ग्राफिक कार्ड है, जो कि RTX 3060। आज की इस वीडियो में हम उसी के प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। जो प्राइस मैंने यहाँ पर लिए वो लिए ऑफलाइन, मीन्स नेहरू प्लेस में गया और वहाँ पर मैंने प्राइस इसकी पता करी है। जैसे आप सभी को पता होगा, यहाँ पर कुछ मॉल भी है जैसे SMC इंटरनेशनल, कॉस्ट टू कॉस्ट, तो यहाँ पर मैंने प्राइस पता करी है, और बाकी जो लोकल शॉप होती है ना उन पर भी मैंने प्राइस पता करी है। तो मैं आपको इन सबकी प्राइसेस बताने वाला हूँ, आखिर कहाँ पर मुझे कितनी प्राइसेस देखने को मिली इस RTX 3060 Ti की। तो पहले बात करते हैं हम पर SMC इंटरनेशनल की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर SMC इंटरनेशनल गया यहाँ पर 3060 Ti ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस जानने के लिए। तो जो प्राइस उन्होंने बताई वो प्राइस है 45,000। ये फाइनल प्राइस है, जो भी एडिशनल चार्ज होते हैं वो इंक्लूडेड है पहले से ही। तो फाइनल प्राइस 45,000 थी जो आपको पे करने पड़ेगी RTX 3060 Ti ग्राफिक कार्ड को खरीदने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा है, 45,000 में अगर आप देखो आज की डेट में, 45,000 में आपको 2070 सुपर आसानी से मिल जाएगा। तो उस प्राइस पे ये ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। फिर मैं गया कॉस्ट टू कॉस्ट शॉप में, वहाँ पर मैंने इसकी प्राइस पूछी, तो वहाँ पर इसकी प्राइस बताई 40,000 रुपये। जी हाँ, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपको 40,000 रुपये की आपको एक ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। आपको पहले ही बता दूँ, टैक्स सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको कुछ और पे नहीं करना पड़ेगा। तो 40,000 रुपये में देकर ये ग्राफिक कार्ड मिल रहा था। काफ़ी सोचने वाली बात यह है कि SMC इंटरनेशनल पे 45,000 का ये ग्राफिक कार्ड मिल रहा है और कॉस्ट टू कॉस्ट पे 40,000।
इसके बाद हमने सोचा क्यों ना हमें एक लोकल शॉप पे ट्राई करना चाहिए, क्या पता यहाँ पर जो नेहरू प्लेस में जितने भी लोकल शॉप अगर उन पर हम ट्राई करें तो क्या पता हमें यही ग्राफिक कार्ड RTX 3060 Ti क्या पता हमें कम प्राइस में मिल जाए, क्या पता हमें 40,000 से नीचे किसी दुकान पर देखने को मिल जाए। तो फिर उसके बाद जिस लोकल शॉप पे हम गए ना, तो पहली शॉप थी सोनम एंटरप्राइजेस, वहाँ पर उसके बाद दो वेरिएंट थे 3060 Ti के। तो पहला वेरिएंट था थोड़ा सा महंगा वाला, जो शायद किसी अच्छी कंपनी का था जिसमें ट्रिपल फैन थे, तो वो पड़ रहा था हमें 54 का। और जो थोड़ा छोटा वेरिएंट था जो कि सब पे मिल रहा था कॉस्ट टू कॉस्ट और SMC इंटरनेशनल, वही वेरिएंट उस दुकान वाले पे 41,000 का था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट के मुकाबले 41,000 एक तरह से ज़्यादा कह सकते थोड़ा बहुत। फिर हमने किसी और दुकान पर ट्राई करा, वहाँ पर यही ग्राफिक कार्ड हमें देखने को मिल गया 40,000 में। तो आप देख रहे हो लोकल शॉप पे कुछ जगह आपको महंगा भी मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है। तो इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हम और शॉप ट्राई करें। तो उसके बाद हमने 6-7 दुकानें और चेक करी इसी ग्राफिक कार्ड को लेकर, सबकी प्राइजेस 40 to 41 थी, किसी की भी प्राइजेस 40 से बिल्कुल नीचे नहीं थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आप नेहरू प्लेस में जाते हो या आप कॉस्ट टू कॉस्ट से ले लो या फिर आप किसी भी लोकल शॉप से ले लो, आपको प्राइजेस आपको यहाँ पर 40,000 मतलब 40,000 अराउंड आपको देखने को मिलेगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 3060 Ti की प्राइस है ना नेहरू प्लेस में, वो 40,000 के आसपास पड़ेगी। बाकी एक चीज़ और बता दो इसी ग्राफिक कार्ड को लेकर, अगर आप 3060 Ti ग्राफिक कार्ड को ख़रीदना चाहते हैं ना, तो आज इसकी प्राइस 40,000 है नेहरू प्लेस में। अगर आप इसको 2 महीने बाद ख़रीदोगे ना, तो आपको 35,000 में आसानी से मिल जाएगा। तो 5,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा अगर आप 1 से 2 महीने बाद ख़रीदते हो। बाकी आपके ऊपर है डिसीजन कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड खरीदते हो। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो में जाकर आप मेरी और वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर मैंने और इससे अच्छी वीडियो बनाई है नेहरू प्लेस से रिलेटेड। मैंने नेहरू प्लेस की मार्केट भी मैंने यहाँ पर दिखाई है। हो सकता है तो मैं कुछ अच्छे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आप वीडियो देखना चाहो देख सकते हो। बाकी यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम ग्राफिक कार्ड के प्राइजेस के बारे में। जितने मैं ग्राफिक कार्ड के यहाँ पर प्राइस दिखाऊंगा बेसिकली दो जगह से ली गई है, अमेजोन और नेहरू प्लेस। जिन लोगों को नहीं पता है नेहरू प्लेस क्या है, ये एक होलसेल मार्केट है जो दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर आपको पीसी के जो पार्ट हैं वो काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको प्राइस दिखाने वाला हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर सभी ग्राफिक कार्ड कवर करे हैं। जो नए वाले ग्राफिक कार्ड आए हैं ना एनवीडिया और एएमडी की साइड, वो ग्राफिक कार्ड भी मैंने यहाँ पर कवर करे, और पुराने तो खैर है ही। तो मुझे पता है आप यहाँ पर प्राइस देखने आए हो, तो पहले आप प्राइस देख लो, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। तो प्राइसिंग लिस्ट ये रहे आपकी स्क्रीन पर। सो फाइनली आपने यहाँ पर सभी ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग देख ली होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने नए ग्राफिक कार्ड लेने वाले हो ना, मतलब एनवीडिया एएमडी जो नए ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुए, तो उनके लिए थोड़ा रुक जाओ क्योंकि उनके प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आप उन्हें 2-3 महीने बाद लोगे तो प्राइस थोड़ी कम पे करनी पड़ेगी आपको। बाकी अगर आप कोई सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहो पुराना, जैसे 16 सीरीज़ में से या 20 सीरीज़ में से, वो आप आराम से ले सकते हो। और एक चीज़ और, कोशिश करना कि पुराने ग्राफिक कार्ड ना लेना पड़े, क्योंकि नए ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं जनवरी फरवरी में, जो कि सारे ग्राफिक कार्ड आ जाएंगे। तो थोड़ा कोशिश करना कि ना लेना पड़े। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है प्राइसिंग को लेकर, तो ऐसी वीडियो मैंने काफ़ी सारी बना रखी अपने चैनल पर, और ऐसी वीडियो ही मैं लाता रहता हूँ जहाँ पर मैं अमेजोन और नेहरू प्लेस की प्राइसिंग आपको दिखाता रहूँगा। तो अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को, क्योंकि यार भाइयों काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। सो क्या हाल है गाइस, आप सभी को बताओ कि एनवीडिया ने अपने 3 कार्ड लॉन्च कर दिया है, जो कि 3070, 3080 और 3090। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर इनके प्राइसिंग और बेंचमार्क दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे बेंचमार्क के ऊपर। तो बेंचमार्क मैं यहाँ पर करूँगा 4K और 8K पर। और अगर बेंचमार्क कर रहे हैं तीनों कार्डों को, तो यहाँ पर मैंने कुछ पुराने कार्ड भी लिए जिससे हम एक अच्छे समझ सके आखिर कितना जंप आपको देखने को मिलता है पुराने कार्डों के मुकाबले। तो अगर सेटिंग की हम बात करी जाए, तो यहाँ पर हम 4K अल्ट्रा सेटिंग रखेंगे और 8K पर हम हाई सेटिंग रखेंगे, और रे ट्रेसिंग मैंने दोनों चीज़ों में ऑफ करके रखी है। तो बेंचमार्क ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
जैसा आपने यहाँ पर देखा होगा 4K और 8K के बेंचमार्क, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले जो देखा होगा कि 2080 Ti और 3070 Ti लगभग ऑलमोस्ट बराबर परफॉर्म कर रहे थे। अगर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए, 2080 Ti की प्राइसिंग पड़ते 1,00,000 रुपये, जो अभी की जो प्राइस 1,00,000 रुपये इसकी। और अगर बात की जाए 3070, ऐसा कहा जा रहा है 3070 जब इंडिया में आएगा इसकी प्राइसिंग रहेगी लगभग 50,000 to 55,000। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि इस बार के जो ग्राफिक कार्ड वो काफ़ी अच्छे, मतलब इस बार कमाल कर दिया एनवीडिया ने। दूसरे कार्ड के बारे में बात की जाए तो दूसरा कार्ड है 3080, इसकी प्राइसिंग रह सकती है 70,000 to 80,000। तीसरा कार्ड जो इनके पास सबसे बेहतरीन कार्ड है जो कि 3090, इसकी प्राइसिंग रहेगी लगभग 1,50,000 रुपये। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों करा। जब 3080 की प्राइसिंग 70,000 to 80,000 है तो ऑलमोस्ट इस कार्ड की भी 1,00,000 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन एनवीडिया ने इसकी 1,50,000 रुपये प्राइस रखी है। तो ठीक है, अब जिन्हें चाहिए होगा वो खरीदेंगे। तो बस मैंने आपको यहाँ पर प्राइसिंग बता दी। अब दो चीज़ सुन लो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपने कार्ड के साथ देखना हो कि कैसा परफॉर्म करता है या फिर और भी कार्डों के साथ कंपैरिजन देखना हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगभग 20 से 25 वीडियो के लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर आप पढ़ के आराम से देख सकते हो कि आपको कौन सा कार्ड है, किसके साथ आपको बेंचमार्क देखना है। तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें ना उनके लिए। दूसरी चीज़, अगर आप जानना चाहते हो ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, इन सब के अगर आप प्राइसिंग जानना चाहते हो कि लॉकडाउन के बाद क्या प्राइसिंग है, तो इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करके जाना, वहाँ पर आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। तो मैं मिलता हूँ वीडियो में, जब तक के लिए। तो ये वीडियो होने वाली है पार्ट 1, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो, वहाँ पर हमने बताया कि आप 18,000 का PC बिल्ड कैसे कर सकते हो, कौन से कंपोनेंट हमने लिए हैं। तो उसी का पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम सारे गेमों को बेंचमार्क करेंगे। बेंचमार्क भी हमने यहाँ पर सारे हैवी गेम करे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, फ्रेम रेट, जिस गेम में 300 पर फ्रेम रेट मिलते हैं समझ लो स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 से नीचे मिलेंगे तो आपको स्ट्रटिंग और लैग देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना बेंचमार्क के टाइम। तो चलिए बेंचमार्क ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mystery, yes, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Mystery, yes, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take. तो जैसा आपने यहाँ पर सारे बेंचमार्क देख लिए होंगे सभी गेमों के, ऑन एवरेज अगर पकड़े तो यहाँ पर 40 से 50 फ्रेम रेट आपको सभी गेमों में देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने सारे पायरेटेड गेम इस्तेमाल करे हैं, मीन्स यहाँ पर मैंने कोई भी गेम खरीदा नहीं है, मैंने यहाँ पर सारे गेम डाउनलोड करके चलाने की कोशिश करी है और सच बताऊँ सारे गेम बेझिझक चल गए और परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दी है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको जाननी हो प्राइजिंग, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, उनके ऊपर मैंने कुछ स्पेशली वीडियो बना रखी है, उनका आप देख सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी अगर आपको पार्ट वन देखना हो तो पार्ट वन भी इस वीडियो को देख सकते हो। ऐसे पीसी बिल्ड की वीडियो आती रहती है हमारे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के। जो गेमिंग पीसी आपने अभी देखा, आज हम उसी पीसी को बिल्ड करेंगे। जैसा पीसी आपने वीडियो में देखा था ना, सेम वैसा ही पीसी हम बनाएंगे। और आपको बता दूं कि गेमिंग पीसी रहने वाला है। हालांकि आप एडिटिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन मेनली मैंने इस पर फोकस करा कि गेमिंग के हिसाब से आप इस पर हर तरह के गेम खेल सकते हो। GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, असैसिन क्रीड, सभी तरह के गेम। और आपको अगर फ्रेम रेट की बात की जाए तो लगभग 40 से 50 फ्रेम रेट मिलेंगे हर गेम में, और ये आने वाली जो गेम है ना उनको भी बेझिझक चला देगा। और अगर आप इसकी पर्सनली बेंचमार्क की वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने इसको ऊपर पार्ट टू बनाया है, जहाँ पर मैंने सभी गेम चलाए हैं, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दो तीन मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ जो आप थोड़े ध्यान से सुनना। पहली चीज़, यहाँ पर हम CPU बनाने वाले हैं जिसका बजट रहेगा 18,000। तो आप LCD, कीबोर्ड, माउस, इन तीन चीज़ों के लिए थोड़ा अमाउंट अलग से रखना। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, सारे कंपोनेंट यहाँ पर नए लिए जाएंगे, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारे Amazon के लिंक, वहाँ से आप मंगवा सकते हो।
तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपका बजट थोड़ा कम है लगभग 14 से 15 हज़ार, तो भी आप इस पीसी को बना सकते हो। बस यहाँ पर आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। एक है कि आप सारे पार्ट नेहरू प्लेस से खरीद दो, जिससे आपके 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे, तो आपका बजट वही 14-15 पहुंच जाएगा। दूसरा रास्ता है कि आप इस पूरे पीसी बिल्ड में 2 से 3 चीज़ें सेकंड हैंड ले लें। वो मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा कि आप कौन सी चीज़ सेकंड हैंड ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा बिल्कुल नया पीसी बिल्ड बनाओ। यहाँ पर आपको 2 से 3 साल की गारंटी मिलेगी हर कंपोनेंट की, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है आपके लिए कि आपको 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं आए। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो गारंटी रहेगी सभी पार्टों की, आप चेंज करवा सकते हो फ्री में। तो चलिए अब करते हैं इस पीसी बिल्ड को स्टार्ट। जब भी कोई पीसी बनाया जाता है तो उसमें बेसिकली 7 कंपोनेंट का रोल होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं: प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, रैम, एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क, पीएसयू या लास्ट कैबिनेट। तो हम इन 7 कंपोनेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको प्राइस और स्पेक्स दोनों चीज़ आपको बताता चलूँगा। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर हम प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर हमने जो प्रोसेसर लिया है वो लिया है राइजन 3 2200G। ये एक प्रोसेसर नहीं है, ये एक APU है, मीन्स एक्सेलरेट प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है, आपको एडिटिंग तो करवा देगा, साथ के साथ बिना ग्राफिक कार्ड के गेमिंग भी करवा देगा। अब वो क्यों मैं बता दूं, इसके अंदर ही आपको ग्राफिक देखने को मिलते हैं। अगर आप ग्राफिक जानना चाहते हो तो कितने हैं, तो इसके ग्राफिक का नाम है Vega 8। ये इतना पावरफुल है, आपको सभी गेम चलवा देगा 1080p मीडियम सेटिंग। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको बेंचमार्क देखने हो तो बेंचमार्क का लिंक मैं नीचे डाल दिया, वो आप बेंचमार्क देख सकते हो। प्रोसेसर के प्राइस के बारे में बात की जाए तो अमेजोन पे इसकी प्राइस है 7,000 रुपये, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और जिन लोगों का बजट कम है वो दो चीज़ कर सकते हैं। पहला कि आप इसे OLX से खरीद सकते हो, सेकेंड हैंड आपको मिल जाएगा, हालांकि थोड़ा मुश्किल मिलेगा क्योंकि ये बेस्ट प्रोसेसर है, तो जो खरीदते हैं वो आसानी से बेचता नहीं है इसे, और जो कोई बेचते हो प्राइस ज़्यादा डिमांड करते हैं। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि आप इसे नेहरू प्लेस से खरीदो। अमेजोन पे 7,000 का है, लेकिन नेहरू प्लेस में 6,000 का है, तो आपके 1,000 रुपये तो यहीं बचे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते अपने अगले कंपोनेंट, जो कि ग्राफिक कार्ड। देखो, ग्राफिक कार्ड लेने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने APU इस्तेमाल करा है, तो वो इतना पावरफुल तो है कि आपको सारे गेम चलवा देगा। आप चाहे GTA 5 खेल लो, PUBG खेल लो, Assassin's Creed खेल लो, Metro Exodus या Red Dead Redemption, आप कैसे भी गेम खेल लो इस पर। एडिटिंग तो करवाएगा लेकिन गेमिंग भी करवा देगा अच्छी। गेमिंग से मतलब है 1080p मीडियम सेटिंग पे बेझिझक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर अगले कंपोनेंट की बात करी जाए, जो कि है मदरबोर्ड। देखिए, हमने यहाँ पर लिया Ryzen 3, तो इसे चलाने के लिए जो बेसिक मदरबोर्ड आती है वो आती है A320। लॉकडाउन से पहले इसकी प्राइस हुआ करती थी 3,500 रुपये, लेकिन अब आपको अमेजोन पे मिलेगी ये 4,500 रुपये की। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी महंगी मदरबोर्ड भी ले सकते हो। अगर आपको सभी मदरबोर्ड के प्राइजेज जानने हो कि लॉकडाउन के बाद क्या मदरबोर्ड के प्राइजेज हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, तो उसका लिंक आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हो, और प्रोसेसर की प्राइसिंग भी है वहाँ पर, तो देख लेना। बाकी अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर रैम के बारे में। आप यहाँ पर सारे मॉडर्न गेम खेलोगे, तो इस मॉडर्न गेमों को देखते हुए यहाँ पर हमें मिनिमम 8GB रैम की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया क्रूसेल की 8GB रैम DDR4 जो आते हैं 2400 MHz के। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि भाई आपको कॉर्सेर या G-Skill की रैम लेनी चाहिए थी। मैं ले सकता था, लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे इस रैम की प्राइस पड़ती है 2400 रुपये। अगर मैं कोई और कंपनी की इस्तेमाल करता तो वहाँ पर मुझे 4 से 5 हज़ार रुपये पे करने पड़ते। तो बस एक यही कारण है क्रूसेल की मैंने ली। और फिर भी मैं आपको बताऊँ, क्रूसेल बहुत अच्छी ब्रांड है, मैंने खुद पर्सनली इस्तेमाल करी है। आपको भी यहाँ पर 3 साल की वारंटी देखने को मिलती है, तो आप ऐसे समझ लो कि 3 साल तक ये कहीं नहीं जाएगी। और साथ के साथ मैं बता दूं, जिन लोगों का बजट कम है वो लोग रैम यहाँ पर सेकंड हैंड ले सकते हैं, OLX पर आपको इजीली मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगला कंपोनेंट, जो कि है हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर हम SSD भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी है हार्ड डिस्क, जो के लिए हमने 500GB की सी ग्रेड की, जिसकी प्राइस पड़ेगी अराउंड 1500। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे बाय कर सकते हो। बाकी बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे कि भाई आपको SSD कंसीडर करनी चाहिए थी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक तरफ है 120GB की SSD, दूसरी तरफ है 500GB की हार्ड डिस्क, दोनों का प्राइस है 1500। और आपको जो गेम खेलने हैं वो है GTA 5 70GB, Assassin's Creed 60GB, Call of Duty 60GB,
और भी कई सारे गेम है जिनका स्पेस लगभग 50 से 50 GB से ऊपर होगा। उन गेमों को देखते हुए आप बताइए मुझे 120 GB की SSD लेनी चाहिए यहाँ पर, या फिर उसी प्राइस में अगर मुझे 500 GB की हार्ड डिस्क मिल जाए। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैंने क्यों हार्ड डिस्क इस्तेमाल करी है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई के बारे में। आपने यहाँ पर देखे होंगे जितने कंपोनेंट है, कोई सा भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसकी जो पावर यूज़ हो ना वो थोड़ा ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, आप बेसिक पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिक पावर सप्लाई बहुत सारे मार्केट में, आप कोई से भी ले सकते हो। जो मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई ली है वो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इसकी प्राइस मुझे पड़ी 500 रुपये। इसका भी लिंक अमेज़ॉन का मैं डाल दूंगा नीचे, आप खरीद सकते हो। बाकी चलिए बढ़ते अपने लास्ट कंपोनेंट जो कि इस पूरे पीसी की जान है, वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट यहाँ पर लिया मैंने एनटेक NX210। भाई बहुत बढ़िया कैबिनेट है, मतलब अगर आप कोई सा पीसी बिल्ड करो, चाहे 10,000 का हो, 20,000 का, 30,000, 40,000, 50,000 तक के आप पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, तो आप इस कैबिनेट को जरूर याद रखना। नाम याद कर लो, एनटेक NX210 सबसे बढ़िया कैबिनेट है। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, इसके आगे आपको 3 फैन देखने को मिलते हैं। तीनों फैन बिल्कुल RGB है। RGB मतलब आपको एक रिमोट मिलेगा, वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो उसकी लाइटें। एक बैक के साइड मिलता है और साइड में टेम्पर्ड है, मतलब समय के साथ साथ ये कोई गंदा बंदा नहीं होगा। जैसे बहुत बार होता है ना, साइड में बहुत से कंपनी वाले प्लास्टिक दे देते हैं तो समय के साथ उनमें स्क्रैच आने लगते हैं, लेकिन इसमें साइड में टेम्पर दिया है, तो मतलब काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है। आप इसको बिल्कुल ज़रूर कंसिडर करना अगर आप कोई सा पीसी बिल्ड कर रहे हो। तो बस यही कारण है मैंने यहाँ पर एनटेक NX210 का कैबिनेट इस्तेमाल करा है। काफ़ी बढ़िया कैबिनेट लगा मुझे पर्सनली, इसीलिए मैंने पीसी बिल्ड जो करा ना वो इसी कैबिनेट के साथ करा है। हालांकि इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर बताऊंगा इसमें क्या क्या आपको खासियत मिलता है। तो फाइनली हमारे यहाँ पर पीसी कंप्लीट हो चुका है बनकर। अब यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इस पीसी बिल्ड को बनाते वक्त, जैसे रैम लगाने में आपको दिक्कत आ सकती है, और इस कैबिनेट में आपको वायर मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वायर हो जाती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है कि कैसे कैसे इनको लगाएं। अगर इस पीसी बिल्ड करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों का बजट थोड़ा सा कम है वो लोग नेहरू प्लेस से खरीद सकते हैं, या फिर 2-3 चीज़ सेकेंड हैंड ले सकते हैं, तो उनका कम बजट में यही सेम पीसी बन जाएगा। और जैसे बताओ परफॉर्मेंस सेम मिलेगी। और अगर बेंचमार्क की बात करी जाए तो नीचे लिंक है दूसरी वीडियो का, वहां जाके आप देख सकते हो इस पीसी क्या बेंचमार्क है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। सो क्या लगा इस, मेरा नाम आदित्य, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप नेहरू प्लेस की मार्केट के बारे में। तो आज मैं यहाँ पर गया हूँ नेहरू प्लेस में, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर नेहरू प्लेस की मार्केट के कुछ एपिक शॉट, ऐसे कुछ शॉट जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, या फिर ऐसे कुछ मैंने वीडियो बनाए कि आप जहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो जितनी भी दुकानें वो कैसी और कैसे कैसे वो सामान रखते हैं और कितना रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरी मार्केट के ऊपर ही वीडियो बनाई है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो ये रही आपकी स्क्रीन के सामने।
तो आई होप ये मार्केट आपको अच्छे लगोगे, क्योंकि आप सभी को पता है ASUS काफ़ी बड़ी मार्केट है। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी प्राइसिंग पता करी है ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर, अगर उनके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उन वीडियो का, आप जाकर देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सो क्या लगा इस, मेरा नाम आदित्य, आज की इस वीडियो में बात करने वाले जो NVIDIA का नया ग्राफिक कार्ड है जो कि है RTX 3060। आज की इस वीडियो में हम उसी के प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। जो प्राइस मैंने यहाँ पर लिए वो लिए ऑफलाइन में, नेहरू प्लेस में गया और वहाँ पर मैंने प्राइस इसके पता करी है। जैसे आप सभी को पता होगा यहाँ पर कुछ मॉल भी है जैसे SMC इंटरनेशनल, कॉस्ट टू कॉस्ट, तो यहाँ पर मैंने प्राइस पता करी है। और बाकी जो लोकल शॉप होती है ना उन पर भी मैंने प्राइस पता करी है। तो मैं आपको इन सबकी प्राइसेस बताने वाला हूँ, आखिर कहाँ पर मुझे कितनी प्राइसेस देखने को मिली इस RTX 3060 Ti की। तो पहले बात करते हैं हम पर SMC इंटरनेशनल की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर SMC इंटरनेशनल गया यहाँ पर 3060 Ti ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस जानने के लिए। तो जो प्राइस उन्होंने बताई वो प्राइस है 45,000। ये फाइनल प्राइस है, जो भी एडिशनल चार्ज होते हैं वो इंक्लूडेड है पहले से ही। तो फाइनल प्राइस 45,000 थी जो आपको पे करने पड़ेगी RTX 3060 Ti ग्राफिक कार्ड को खरीदने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा है, 45,000 में अगर आप देखो आज की डेट में 45,000 में आपको 2070 सुपर आसानी से मिल जाएगा। तो उस प्राइस पे ये ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। फिर मैं गया कॉस्ट टू कॉस्ट शॉप में, वहाँ पर मैंने इसकी प्राइस पूछी तो वहाँ पर इसकी प्राइस बताई 40,000 रुपये। जी हाँ, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपको 40,000 रुपये की आपको एक ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। आपको पहले ही बता दूँ टैक्स सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको कुछ और पे नहीं करना पड़ेगा। तो 40,000 रुपये में देकर ये ग्राफिक कार्ड मिल रहा था। काफ़ी सोचने वाली बात यह है कि SMC इंटरनेशनल पे 45,000 का ये ग्राफिक कार्ड मिल रहा है और कॉस्ट टू कॉस्ट पे 40,000। इसके बाद हमने सोचा क्यों ना हमें एक लोकल शॉप पे ट्राई करना चाहिए, क्या पता यहाँ पर जो नेहरू प्लेस में जितने भी लोकल शॉप अगर उन पर हम ट्राई करें तो क्या पता हमें यही ग्राफिक कार्ड RTX 3060 Ti क्या पता हमें कम प्राइस में मिल जाए, क्या पता हमें 40,000 से नीचे किसी दुकान पर देखने को मिल जाए। तो फिर उसके बाद जिस लोकल शॉप पे हम गए ना, तो पहली शॉप थी सोनम एंटरप्राइजेस। वहाँ पर उसके बाद दो वेरिएंट थे 3060 Ti के। तो पहला वेरिएंट था थोड़ा सा महंगा वाला, जो शायद किसी अच्छी कंपनी का था जिसमें ट्रिपल फैन थे, तो वो पड़ रहा था हमें 54 का। और जो थोड़ा छोटा वेरिएंट था जो कि सब पे मिल रहा था कॉस्ट टू कॉस्ट और SMC इंटरनेशनल, वही वेरिएंट उस दुकान वाले पे 41,000 का था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट के मुकाबले 41,000 एक तरह से ज़्यादा कह सकते, थोड़ा बहुत। फिर हमने किसी और दुकान पर ट्राई करा, वहाँ पर यही ग्राफिक कार्ड हमें देखने को मिल गया 40,000 में। तो आप देख रहे हो लोकल शॉप पर कुछ जगह आपको महंगा भी मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है। तो इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हम और शॉप ट्राई करें। तो उसके बाद हमने 6-7 दुकानें और चेक करी इसी ग्राफिक कार्ड को लेकर, सबकी प्राइजेस 40 to 41 थी, किसी की भी प्राइजेस 40 से बिल्कुल नीचे नहीं थी। तो आप यहां पर देख सकते हो अगर आप नेहरू प्लेस में जाते हो या आप कॉस्ट टू कॉस्ट से ले लो या फिर आप किसी भी लोकल शॉप ले लो, आपको प्राइजेस आपको यहां पर 40,000 मतलब 40,000 अराउंड आपको देखने को मिलेगी। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो 3060 Ti की प्राइस है ना नेहरू प्लेस में वो 40,000 के आसपास पड़ेगी। बाकी एक चीज़ और बता दो इसी ग्राफिक कार्ड को लेकर, अगर आप 3060 Ti ग्राफिक कार्ड को ख़रीदना चाहते हैं ना, तो आज इसकी प्राइस 40,000 है नेहरू प्लेस में। अगर आप इसको 2 महीने बाद ख़रीदोगे ना तो आपको 35,000 में आसानी से मिल जाएगा। तो 5,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा अगर आप 1 से 2 महीने बाद ख़रीदते हो। बाकी आपके ऊपर है डिसीजन कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड खरीदते हो आप। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो में जाकर आप मेरी और वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर मैंने और इससे अच्छी वीडियो बनाई है नेहरू प्लेस से रिलेटेड। मैंने नेहरू प्लेस की मार्केट भी मैंने यहाँ पर दिखाई है। हो सकता है तो मैं कुछ अच्छे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आप वीडियो देखना चाहो देख सकते हो। बाकी आज क्या है गाइस, मेरा नाम आदित्य, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नेहरू प्लेस की मार्केट के बारे में। यू नो आप सभी जानते हो कि नेहरू प्लेस एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर कंप्यूटर के सारे पार्ट मिलते हैं। तो आज मैं इसी मार्केट में गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी है, यहाँ पर मैंने PC का पार्ट भी कवर करा, लैपटॉप भी, और कंप्यूटर के अलावा क्या क्या मिलता है वो भी मैंने यहाँ पर कवर करा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर नेहरू प्लेस को।
सो फाइनली आपने नेहरू प्लेस देख लिया होगा। मैं आपको बता दूं ये मैंने अभी पूरा कवर नहीं करा, नेहरू प्लेस बहुत बड़ा है, अभी भी काफी जगह थी जहां पर मैं कवर नहीं कर पाया। और अगर आपको और व्यू देखना हो तो मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना रखी है जहां पर मैंने कुछ और वीडियो बनाई थी इस मार्केट के ऊपर, तो वो आप देख सकते हो, वहां पर भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जो इस वीडियो में था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको जानना हो नेहरू प्लेस में क्या प्राइसेस चल रही है ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर या फिर कोई और चीज को लेकर, उनके ऊपर मैंने कुछ वीडियो बना रखे ऑलरेडी इस चैनल पर, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो फिर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, काफी काम की चीज आपको वहां मिल जाएगी। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो हमारे वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर मैं कभी भी वीडियो डालूं तो मिल जाए आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक ठीक देखा आपने थंबनेल में, आज हम बात करने वाले जितने भी ग्राफिक कार्ड है चाहे वो एनवीडिया का हो या फिर एएमडी, हम इन सभी ग्राफिक कार्ड की प्राइजेस बताएंगे। और प्राइजेस को मैंने दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, पहला अमेजोन, दूसरा नेहरू प्लेस। जिसे आप इजीली समझ सको नेहरू प्लेस में क्या प्राइजेस चल रही है और अमेजोन पे में कितना महंगा पड़ता है नेहरू प्लेस से अगर हम कंपेयर करें। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, अगर आपको प्राइजिंग वाली वीडियो बहुत अच्छी लगती है, अगर आप प्राइजिंग जानना चाहते हो प्रोसेसर की, रैम की, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, तो इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी डेडिकेटेड वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने ग्राफिक कार्ड में आपको प्राइजिंग बताऊँगा वो हर महीने चेंज होती है अमेजोन पे भी और नेहरू प्लेस में भी, तो इसी चीज़ को देखते हुए हम हर 3 महीने बाद ग्राफिक कार्ड के ऊपर एक नई वीडियो बनाते हैं। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो, कई महीने बाद देख रहे हो, तो लेटेस्ट वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट प्राइजिंग मिल सके नेहरू प्लेस की ग्राफिक कार्ड के ऊपर। तो अब बात करते हैं अपनी प्राइजिंग के बारे में, तो प्राइजिंग ये रही। एक काम करता हूँ, इस प्राइजिंग को आपको फुल स्क्रीन पर दे देता हूँ, तो अब आप यहाँ पर अपने सारे ग्राफिक कार्ड को देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइजिंग मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अमेजोन और नेहरू प्लेस, दोनों की प्राइजिंग आप देख सकते हो। आप इस वीडियो को पॉज करके अपना फेवरेट ग्राफिक कार्ड जो आप लेने के लिए सोच रहे थे वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपने प्राइजिंग थोड़ा ध्यान से देखी होगी सभी ग्राफिक कार्ड की, तो आपको यहाँ पर पता चलोगा जितने महंगे ग्राफिक कार्ड 30,000 से ऊपर उनकी तो प्राइजिंग वैसे ही है जैसे मार्च में हुआ करती थी, लेकिन जो ग्राफिक कार्ड 30,000 से नीचे आते हैं उनकी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लगभग 3,000 से 4,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, RTX 2060 जो काफ़ी बेहतरीन कार्ड है, उसकी प्राइजेस हुआ करती थी मार्च में 22,000 और आज नेहरू प्लेस में 26,000, तो आपको 4,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ते। दूसरा एग्जाम्पल दे तो 1650 सुपर, सबसे बेहतरीन कार्ड और इंडिया में मोस्ट सेलिंग ग्राफिक कार्ड है बजट सेगमेंट में, और मैं बताऊँ इसकी प्राइजिंग मार्च में हुआ करती थी 13,000 और आज है इसके 17,000 अमेजोन पे। डिफरेंस देख रहे हो, 4,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे इसे खरीदने के लिए अगर पुराने वाले से कंपेयर करा जाए। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगा, प्राइजेस कन्फर्म नहीं है, हर महीने बाद चेंज होती है। लॉकडाउन में तो बहुत ही ज़्यादा पहुँच गई थी इस ग्राफिक कार्ड 1650 सुपर 25,000 तक पहुँच गया था, तो प्राइजेस धीरे धीरे कम हो रही है, हर महीने 1,000-2,000 घट रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है 3 महीने बाद इनकी प्राइजिंग 13,000 या 12,000 पहुँच जाए 1650 सुपर की। तो इसी चीज़ को देखते हुए जैसे मैंने आपको बताया हर 3 महीने बाद हम वीडियो बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना अगर आपको लेटेस्ट वीडियो देखनी हो। और अगर आपको प्राइसेस जानने हो प्रोसेसर, कैबिनेट, रैम, तो उनके ऊपर भी मैंने कुछ अलग वीडियो बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और जाते जाते 2-3 चीज़ बता दूँ जो बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऑनलाइन एक ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहते हो, आप ढूंढ रहे हो एक ऐसी साइट जो सस्ते में ग्राफिक कार्ड देती हो बजाय कि अमेजोन, क्योंकि अमेजोन थोड़ा कमीशन ज़्यादा रखता है, तो एक साइट मैं आपको और बता दूँ जो कि है वेदांतो कंप्यूटर, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, बहुत काम की चीज़ आपके लिए। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो ला